देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिलो इन गिवन फिगर विथ फोर इंटरसेक्टिंग सर्कल ईच रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, क्वालिटी रिटर्न इन द दिए, ठीक है, क्या क्या दिए, एंटरप्राइजिंग, लेबोरियस, डिसिप्लिन एंड स्टूडियस। ओके, ये कुछ सर्कल बने हुए, इनके बारे में बोला है। अब इन क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना होता है, क्वेश्चन से करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन ये, द रीजन विच रिप्रेजेंट द पीपल हु आर एंटरप्राइजिंग। तो जैसे ही इंटरप्राइजिंग वर्ड बोला है तो आप इंटरप्राइजिंग वाले सर्कल पे पहले तो मूव कर लो, यानी आंसर इसके अंदर से होगा, ये वाले आंसर नहीं होंगे। इंटरप्राइजिंग सर्कल, स्टूडियस, जैसे स्टूडियस बोला तो स्टूडियस वाले सर्कल पे आपने अंडरलाइन करी, यानी आप इतने पे आ गए, कॉमन जो हो गया। फिर बोला एंड डिसिप्लिन, जैसे डिसिप्लिन बोला तो आप इतने सर्कल पे आ गए, ये वाला सर्कल जो है डिसिप्लिन पे हो गया, डिसिप्लिन बट नॉट लेबोरियस, तो नॉट रेवोलियस, रेवोलियस तो ये भी हटा दो, तो आप बचा क्या, केवल क्यू, तो योर आंसर इज क्यू। यानी ये सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन होते हैं, जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, बस एक बार समझना होता है, इस तरह की पजल्स कभी भी आ जाए। फिर देखिए अगला क्या है, पीपल हु आर नॉट, अब यहां पे नॉट लिखा है, पीपल हु आर नॉट स्टूडियस, तो पहले इस सर्कल को खत्म कर दीजिए, यानी इस सर्कल का कोई नहीं होगा। एंड डिसिप्लिन, पीपल हु आर नॉट स्टूडियस एंड डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन भी नहीं है, वो भी छोड़ दो, ये ऊपर ही हो गए। अब बात क्या कर रहे हैं, देखिएगा, नॉट पीपल हु आर नॉट स्टूडियस एंड डिसिप्लिन बट आर लेबोरियस एंड इंटरप्राइजिंग बोथ, लेबोरियस और इंटरप्राइजिंग बोथ बोला है, तो वो एक ही दिख रहा है आपको, कौन सा, के में, तो ये आंसर हो गया। वैसे भी जो बचे हुए थे हमारे जे के एल, उसमें अगर हम देखें तो पूरे बड़े बिना भी बता सकते थे, के इज अ राइट आंसर। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, द पीपल प्रोसेसिंग ऑल द क्वालिटी आर रिप्रेजेंट, सभी में सब क्वालिटी किसमें है, तो सब क्वालिटी वाले अगर देखो आप तो सबसे अंदर आता है एन, तो इसका मतलब यहां पर होगा एन, तो एन इज अ राइट आंसर।